आज हम बनाएंगे चॉकलेट फज। उसके लिए मैंने ये मटेरियल लिया है। उसमें मैंने हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिए है, मिल्क लिया है और नट्स लिए है। इस तरह से सीजर से कट करके मैंने बिस्किट को निकाला है। बिस्किट को क्रश करना है इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। ये बिस्किट के टुकड़े मैं अब ये मिक्सी बॉल में डाल रही हूँ। इसे अब हम ग्राइंड करेंगे। रेडी पाउडर को हम अब बाउल में निकालेंगे। रेडी पाउडर में हम 2 स्पून मिल्क ऐड करेंगे और नट्स भी ऐड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको मिक्स करके इसका एक डो बना के लेंगे। इस रेडी डो को हम इस मोल्ड में ऐड करेंगे और सेट करेंगे। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी डिश ले सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से एल्युमिनियम, इस तरह से हम रेडी डो इसमें सेट कर रहे हैं। इस तरह से इक्वल सेट करने के बाद हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रखेंगे। फ्रिज से बाहर निकाला है और पहले ही हमने इसको फॉइल पेपर लगाया था। अब हम इस प्लेट में निकालेंगे। इसको इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से हम उसके पीसेस बनाएंगे। इस तरह से हमारा चॉकलेट फज रेडी हो गया है। थैंक यू।